और लिफ्ट खराब होने के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। एक बार फिर से ग्रेटर नोएडा में सोसाइटी में इसी तरह की घटना आई है। लिफ्ट में एक महिला सवार हुई लेकिन अचानक से लिफ्ट खराब हो गई, जिससे महिला आधे घंटे तक फंसी रही है। आम्रपाली सेंचुरियन पार्क सोसाइटी की पूरी घटना है। दिल्ली एनसीआर में हाई राइज बिल्डिंगों की भरमार है। दूर से ही सोसाइटी और इनमें बने फ्लैट्स दिख जाएंगे। सोसाइटी की बिल्डिंग काफी ऊंची होती है, इसीलिए बिना लिफ्ट के जाना इनमें संभव नहीं होता। लेकिन बार बार सोसाइटी की लिफ्ट के अटकने की खबरें सामने आती हैं। कई सोसाइटी में लिफ्ट बंद होने की घटनाएं हो चुकी हैं। अब ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बिसरख थाना क्षेत्र में लिफ्ट के रुकने का मामला सामने आया है। जिस वक्त ये घटना हुई, उस वक्त लिफ्ट के अंदर एक महिला फंसी हुई थी। लिफ्ट अचानक खराब हो गई, जिसके बाद उन्होंने लिफ्ट के बटन दबाए लेकिन दरवाजा नहीं खुला। इसके बाद महिला काफी परेशान हो गई। करीब आधे घंटे तक वो लिफ्ट के अंदर ही रही। जैसे ही सोसाइटी के लोगों को पता चला, उसके बाद वहां पर अफरा तफरी मच गई। यहां रहने वाले लोग लिफ्ट के बाहर खड़े हैं। महिला को बाहर निकालने की कोशिश हो रही है। कड़ी मशक्कत के बाद लिफ्ट खोली गई, तब जाकर महिला की जान में जान आई। आम्रपाली सेंचुरियन पार्क की लिफ्ट खराब हो गई थी। ग्रेटर नोएडा में लिफ्ट खराब होने के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। महिला के शोर मचाने पर आसपास के लोग वहां आए और कड़ी मशक्कत के बाद महिला को लिफ्ट से बाहर निकाला गया। सोसाइटी के लोगों का कहना है कि मेंटेनेंस की टीम की लापरवाही की वजह से ऐसी घटनाएं हो रही हैं। लिफ्ट एक्ट तो है, लेकिन फिर भी मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे। लोगों का आरोप है कि लिफ्ट की मेंटेनेंस नहीं की गई थी, इसकी वजह से लिफ्ट खराब हुई। सोसाइटी के लोगों में भारी आक्रोश दिख रहा है। इसको लेकर सोसाइटी के लोगों ने बिसरख पुलिस थाने में प्रदर्शन कर शिकायत भी दी। नोएडा में ऊंची ऊंची इमारतें तो बहुत बन गई हैं। बिल्डर भी फ्लैट खरीदते वक्त लोगों को लुभावने वायदे करते हैं, लेकिन अक्सर देखा जा रहा है कि सोसाइटी के लोगों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बिल्डर और मेंटेनेंस की लापरवाही कभी भी सोसाइटी के लोगों पर भारी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।